वहीं प्रदेश के अंदर लगातार मानसून सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है। और इसी के चलते हुए कल राजस्थान की राजधानी जयपुर जहां पर तेज गर्मी देखने को मिल रही थी वहां पर भी मौसम पलटता हुआ नजर आया और इसी के साथ तेज बरसात तो देखने को ही मिली है, साथ ही ठंडी हवाओं का दौर भी जारी रहा है। इसी के साथ कल मात्र 20 से 25 मिनट जो बारिश हुई है उसके हिसाब से अब सड़कों पर घुटने से ज्यादा पानी देखने को मिल रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कि आखिरकार कहां कहां पर कितना पानी अभी भरा हुआ है। तेज गर्मी और उमस से बहाल जयपुर वासियों को सोमवार की देर शाम को हुई तेज बारिश से राहत मिल चुकी है। उससे पहले 11 जुलाई को जयपुर में तेज बारिश हुई थी। पूरे जयपुर में करीब 20 से 25 मिनट तक जम करके पानी भी बरसा है और इसी बीच बिजली भी खूब गरजी है। इससे लोग दहशत में थे, आधे घंटे की बारिश भी हुई है और कई जगह तक घुटनों तक पानी भर गया, जिसके कारण दुपहिया और चार पहिया वाहन चालकों को तो आने जाने में भारी परेशानी हुई है। तो वहीं सावन के पहले सोमवार का स्वागत मानसून ने किया है। लोग घर की छतों और खुली खिड़कियों पर निकल करके नजर आ रहे थे तो बारिश में भीग करके मानसून का आनंद भी लिया गया और जयपुर की नाहरगढ़ पहाड़ी पर तेज बारिश के बाद एकाएक झरना बहने लगा जिसे देखकर लोग उत्साहित हो गए। तो वहीं चार दीवारी, जल महल रोड, टोंक रोड, जेएलएन मार्ग, सीकर रोड, विद्याधर नगर, मुरलीपुरा सहित कई इलाकों में झमाझम बारिश का दौर जारी रहा।